हे फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी तीन एक्सरसाइज जो आपको हेल्प करेंगी आपके स्टमक को फ्लैटन करने में, आपके बेली को शेप में लेके आने में। और फर्स्ट एक्सरसाइज इज रिवर्स क्रंचेज। क्रंचेज में बेसिकली क्या होता है कि आपकी कोर मसल्स स्ट्रेंथ होती हैं और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मसल्स में बनी रहती है। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं। अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा के अपनी बैली के ऊपर लेके आना है और फिर इन्हें स्ट्रेट करना है आगे की तरफ। फॉरवर्ड कीजिए एंड बैक। अब हम करते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज विच इज हील टच। उसके लिए आपको सीधे लेट जाना है, अपने पैरों को थोड़े ऊपर लेके आना है और इन्हें खोल लेना है। आप अपने दोनों हाथों से अपनी हील्स को टच करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सिंगल लेग जैक नाइफ। इस एक्सरसाइज के लिए आप अपने दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, अपनी सिंगल लेग को अपने दोनों हाथों से टच करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, ये तीनों ही एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी हैं। इन्हें करने के बाद आपकी बेली एकदम शेप में आ जाएगी और आपका स्टमक एकदम फ्लैटन हो जाएगा। इन तीनों ही एक्सरसाइजेज के आपको 15 रैप्स एंड 4 सेट्स करने हैं। एज यू आर अ बिगनर, आपको कम से कम इसके 4 सेट करने ही हैं। जैसे जैसे आपको टाइम होता जाए, वैसे वैसे आप अपने सेट्स और अपना टाइम बढ़ाते जाइए। आप देखेंगे 15 ही दिनों में आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा इन एक्सरसाइजेज का। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।